तो गाइस वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज का ब्लॉग होने वाला है कि मैं अपने जाऊंगा यहाँ देहरादून से ऋषिकेश, अपने हॉस्टल रूम से ऋषिकेश में तैयार हो चुका हूँ। अभी हम जाएंगे एक्टिवा रेंट करेंगे, पेट्रोल डलवाएंगे और फिर निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। वहाँ हमारा प्लान है पहले मतलब नीलकंठ महादेव मंदिर जाने का और फिर त्रिवेणी का घूमने का और फिर कुछ खाएँगे या फिर एक जगह और घूमेंगे और फिर वापस आ जाएंगे यहाँ देहरादून। तो मैं आपको सब बताऊँगा कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, सब देखते रहना। तो भाई अभी हमने पेट्रोल डलवाया है, कुछ मतलब 200 रुपये तक डलवाया था हमने पेट्रोल और फिर अब हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश की गलियों में। अभी ये ऋषिकेश राम झूले के पास है, हम अभी यहाँ से जा रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर और फिर वहीं मिलते हैं आपको। तो भाई हम जा रहे थे नीलकंठ महादेव मंदिर और मतलब रास्ता बंद है आगे, तो इन्होंने मतलब रोक लिया। यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ पे रोक रहे हैं कि रास्ता ख़राब है, इस कारण मंदिर भी बंद करा हुआ है अभी, तो अब जा नहीं सकते। अभी जा रहे हैं हम त्रिवेणी घाट, फिर देखते हैं उसके आगे कहाँ जाते हैं। तो भाई यहाँ के जो मतलब सड़कें हैं, रास्ता है, बहुत बढ़िया रास्ता है। यहाँ मतलब पानी का जो फ्लो देखते बहुत तेज़ है अभी पानी का फ्लो, क्योंकि बारिशें हो ही जा रही है उत्तराखंड में, तो अभी पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं त्रिवेणी घाट, ये एंट्रेंस की गेट है, आप देख सकते हो। मतलब रास्ता जो हमें मिला नीलकंठ महादेव जी मंदिर से और त्रिवेणी घाट तक का, बहुत ख़राब रास्ता है, लैंडस्लाइड बहुत हो रखी है, तो अगर कोई भी आएगा देख के आना क्योंकि बहुत बारिश हो रही है इधर। तो भाई हम त्रिवेणी घाट पहुँच गए हैं, मतलब आपको देखो पानी बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज़ भी है पानी, बहुत ज़्यादा पानी है। और अभी मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस जाएँगे हम, कुछ खाएँगे पियेंगे और फिर वहाँ से वापस कॉलेज जाएँगे। तो भाई अभी हम त्रिवेणी घाट से जा रहे हैं कुछ खाने, मतलब यही मार्केट में जो बाहर मार्केट है वहीं कुछ खाना मिलेगा, हो जाएगा। खा पी के हम वापस अपने कॉलेज की तरफ जाएंगे, फिर हमें 1.5-2 घंटे लगेंगे कॉलेज के लिए, बस यही है। तो भाई अभी हम रुके एक पेट्रोल पंप पे क्योंकि हमें बहुत प्यास लग रही, तो उसके साथ में एक शॉप होती है तो ऐसी कुछ, तो यहाँ से हम कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं और फिर हम आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे, वापस जा रहे हैं कॉलेज हम। एक माउंटेन ड्यू एक तो भाई हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है, मतलब कुछ 1 घंटे का रास्ता और बचा है पेट्रोल पंप से, यही साथ में दुकान थी पेट्रोल पंप की जो होती है वहाँ से ली है। 1 घंटे का रास्ता है, हम पहुँच जाएंगे हॉस्टल, ये स्कूटी रिटर्न करनी है और फिर हॉस्टल ले जाएंगे। तो भाई हम कर चुके एक्टिव वापस, अभी जा रहे हैं हम कॉलेज की तरफ, तो हम आने के 2 घंटे लगे और अब हम एक्टिव भी वापस कर चुके हैं, अब पैदल थोड़ी सी दूरी है कॉलेज, कॉलेज जाके मैं आपसे हॉस्टल रूम में बात करता हूँ। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ अपने हॉस्टल रूम में, करीब मतलब लाइक हमें ऋषिकेश से देहरादून के लिए 1.5 घंटा लगा, ज़्यादा नहीं लगा, और एक्टिव वापस कर दी थी। अभी मैं चेंज भी कर चुका हूँ, तो मतलब सही था ट्रिप, छोटा सा ट्रिप था, सही था। और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।